ए पुलिसिये, तू शायद जानता नहीं कि तेरी बीवी और बच्चे कहां पर हैं। नाना भाई प्लीज, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो नाना भाई प्लीज। अरे ओ पुलिसिये, तेरे बीवी बच्चे छोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझसे रहम की भीख। साले अभी तो हमारी रिश्ते की बात चल रही है अमरोहा से, तूने बीवी बच्चे पहले किडनैप करा लिए बेंचो। छोटा भाई तो होगा तेरा पुलिसिये। छोटा भैया पता हमारा कहाँ है? बहनचोद क्राइम ब्रांच में 58 मर्डर कर चुका है, और तेरा पता चल गया, यहीं आके ठोकेगा तुझे। इंस्पेक्टर साहब मेरा जिगर मत करियो। किससे? अपने छोटे भैया से। इंस्पेक्टर साहब इसकी हवा ले गई, ठीक है? मुझे भी ऐसे ही लगता है। कौन हो तुम? नाना भाई के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। डर सामने बंदा। अरे इंस्पेक्टर साहब यार, नौकर है इनके घर के, हम पूछ लो चाहे। पैसे लेना है? जाओ यहाँ मिल लो। थैंक यू। वेलकम। नाना भाई ये कहाँ आ गए तुम? नाना भाई है? तो बेटे ये है कोठा नंबर 8, अंदर तो रंडिया नाच रही है, आ जा। पैसे पड़ेंगे कुछ? क्यों? अबे लुटा के ना हो अंदर। अबे साले नाना भाई गुस्से में कह रहे हैं, ये जेल है। नाना भाई हट, सालों गलत हट दूंगा दोनों का। ये बताओ उस काम कहीं हुआ? वो तो हो गया नाना भाई, पूरे 11 बच्चों से भी आई है, सबके सब सफेद अंडा बच्चे हैं 11 के 11। अबे सालों मैं कुतिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बैग की बात कर रहा हूँ, बैग का क्या हुआ? अरे नाना भाई अब तुम जेल में हो तो हम दोनों बैग कैसे ला सकते हैं? एक टीम बनाओ, और टीम को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किस वजह से टीम बना रहे हो, और जितना भी पैसा खर्चो अपने पास से करना। निकल भोसड़ी के, यहाँ क्या कर दिया? दरोगा जी बीड़ी दियो जरा, बीड़ी मेरे लिए भी दला दिए। जमील भाई किधर है तेरी बहन चोद? मतलब कौन करे भी ना तो चैन मिलता नहीं होगा तुम्हें, है लड़की चोदो। है जमील जी तुम तो नाराज हो रहे हो, मैं कह रही हूँ आले तेरे से कैसे चल रहे हो? अरे तो मेरे सेटिंग के भतीजे, ये बात ऐसे पूछना हमसे? इधर को बात ऐसे थी, हमारी बहू जो थी हमारे लिए लाई चावल करके, और चावल में निकला बाल, वो भी नीचे का। तुम्हें कैसे पता चला? अबे भैया टेढ़ा था ना नीचे का बाल, आज तक सीधा हुआ ही ना किसी से। ओ मैं वही डिस्पैच हो गया। डिस्पैच? ये क्या हो गया है? मैं नहीं बता रही, चल माचूदा तू। बस इतना ही बहुत है, मिल के आता हूँ मैं जमील से। पूरी बात तो सुनी ना आती कद्दू ने। अरे जमील जी तुम ही हो क्या? Yes, what about you? This is a... हिंदी में बात कर। अभी तो तुम ही बोल रहे इंग्लिश। वो तो इतना बेटे रट्टा मार रहा काम ने, तो बोल ही दे। चल बता क्या काम है? ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो चले जा तू ना, तेरे ही खोपड़े फाड़ दूं बहन के खोपड़े। अरे मुझे पता है जमील जी, ये तुम्हारे लिए बहुत मामूली काम है, प्लीज मेरे लिए कर दो ना। मामूली देख रही माँ चुट जाएगी इस काम में, ठीक पता हमें पता। क्यों बे कुत्तो? हमसा ना कह रहा। अबे तुमसे ही कह रहा हूँ। मतलब इंसानों में और जानवरों में फर्क ही ना दिख रही है, दिख गया भाई सबको? एक काम करो आगरा में इलाज है, वहाँ ले जाओ ना भाई साहब। भाई फिर चलो जल्दी, ट्रेन खड़ी होगी आगरा वाली, अभी टाइम भी है। भोसड़ी के तू मेरी तरफ है इनकी तरफ है? भाई सीधा आपकी तरफ, पूरा सीधा सीधा। और हाँ जब नाना जेल में है तो तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है टीम बनाने की? गटर के कीड़े हो गटर में ही रहो। पहले बता कीड़े कहने लगे? मैं भाई साहब कह रही हूँ आगरा ले जाओ तो तुम्हें चिड़ा लग रही है यार। और भाई चले भी टाइम है अभी, देख लो। अरे इस बहन के भोसड़े को लेके जाए यहाँ से। चल एक काम कर, रुक जा, भीड़ भड़क का तो लगी रिया। और तुम उस बैग के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैग सिर्फ राजा भाई का है। बैग? तेरे जैसे कितने राजा भाई मेरे लोड़े। लगता भाई भाग गए ना? भागे थोड़ी हैं ये तो तेरी माँ चोदना गई था बचा ले। अरे मेरी अम्मी। अबे तू, अबे भाई तू कैसा है भाई? बहुत खुशी हुई यार।
हाँ यार खुशी क्यों न होगी, इतने दिनों में देख रहे हैं एक दूसरे को। ना तू ये देख के खुशी न हो, ये देख के खुशी हुई, तू आज भी खाने खराब है। खाने खराब तो हम नहीं है, इसे थोड़ी ना पता है, इसे जेल का पता पूछ जल्दी। अबे भैया तू जेल का पता बता, चला जाओ गांड मराओ दोनों, मैंने बता दिया, काम करने दो। क्यों बुलाया अभी मुझे? मेरी माँ का आंखें दिखा रही है। अबे देख तो ले किसे दिखा रही है आंखें, पुलिस वाले हैं। पता नहीं यार क्या दिमाग में आई मेरे। इंस्पेक्टर साहब मैं ये कह रही हूँ, हमारे नाना भाई को छोड़ दो यार इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा वो बैग, साले वो बैग के बारे में किसी को नहीं बताना, नाना भाई ने कहा था ना तुझसे, इन्होंने सुन ना लिया हो। इंस्पेक्टर साहब आपने कोई बैग के बारे में तो नहीं सुना कुछ? नहीं हमने कुछ नहीं सुना। ओह बच गए, वरना बहुत काम खराब हो जाता। इंस्पेक्टर साहब मैं एक बार फिर हाथ जोड़ लिया हूँ, छोड़ दो नाना भाई को, तुम समझा करो। अगर मुझे बैग चाहिए तो नाना को छोड़ना पड़ेगा। चलो मैं तुम पे रहम खा के नाना को छोड़ता हूँ, चलो जाओ। सच में? हाँ जा निकल, चल बे चल। अबे चूतियो तुम पे रहम खा कर नहीं, मैंने नाना को इसलिए छोड़ा है ताकि बैग मेरा हो सके। आखिरकार नाना भाई तुम जेल से छूटी गए। छोटू छूटता भी क्यों नहीं, नाना के नाम से पूरा थाना थर 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 कांपता था। कांपता तो कुछ ना नाना भाई, तुम्हें बचाने के चक्कर में हमने हाथ जोड़े दरोगा जी के आगे, भीख मांगी तुम्हें छुड़वाने की। और तो और दरोगा यूं कह दिया उसे, झाटू कुसाले को अभी जाके मारूंगा। इन बातों को छोड़ो, बैग का क्या हुआ, कुछ पता चला? बैग हमने ढूंढ पाए है? बैग मिलता भी नहीं क्योंकि वो मैंने एंड टाइम पे छिपका दिया था। अरे तो बताया तो होता नाना भाई यार, बैग के चक्कर में हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, जंग लड़ी है यार, मतलब बता तो दिया होता यार। और तो और 60-70 लाख रुपए मेरी जेब से नकद खर्च हुए। अबे जानवर तेरा बाप तो आज भी बरातों में पैसे लूटता, तो तेरे पास 60-70 लाख रुपए कहाँ से आए? मुझ पर यकीन है। हाँ हाँ तो बस खर्च करें इसने, मान लो। आओ बैग लेने चल रहे हैं। बैग ऐसे नहीं मिलेगा, बैग मिलेगा इससे, इससे फटे हुए नोट से। ला भौसड़ी के डर को दे दे। कौन है बे तू? अभी पता चल जाएगा। पासवर्ड बोल। नींबू पे नींबू, नींबू पे धागा, तेरी अम्मा को मेरा चच्चा लेके भागा। परफेक्ट। चुपचाप बैग मेरे हवाले कर दे। बैग तो तुझे नहीं मिलने का है। बेटे बैग तो मैं लेके जाऊंगा। तेरे साथ ये कुत्ते हैं इसलिए तू फालतू बोल दिया। तेरे लिए तो ये राजा भाई ही काफी है। बॉयज आउट। इंस्पेक्टर तू राजा भाई पे हाथ डाल रहा है, एक बार फिर सोच समझ लेना। आई सरेंडर यू। और नाना का भला, तू इधर है भैंचोत। बैग कहाँ है? बैग बैग कौन सा बैग? हमारे पास कोई बैग नहीं इंस्पेक्टर साहब। बताता है ये डालू जेल में। नहीं पता हमें किसी बैग के बारे में। चल साले जेल।